हमारे साथ में मौजूद है एमआईएम पार्टी के तालुका अध्यक्ष सिल्लोड के मुख्तार भाई और बबलू भाई। बबलू भाई का मानना यह है कि जो 36 एकड़ का जो अपना एरिया है वो इनामी जमीन वर्ल्ड बोर्ड का है और वहाँ पे जो आज सर्कस को परवानगी दे दी है तो वो उनको मान्य नहीं है। आइए उनसे जानेंगे क्या उनकी मांगनी है और क्यों विरोध करना चाहते हैं इस बारे में। बबलू भाई अस्सलाम वालेकुम। ये बात ऐसी है कि जो सिल्लोड शहर में सर्वे नंबर 6 जो 36 एकड़ के नाम से जमीन पहचानी जाती है, सबसे पहले तो ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और फजल इस्लाम के नाम पे जमीन है, इसलिए ये अल्लाह की जमीन है और इसकी इबादत करना हमारा मुसलमान का जो है तो अवलिन फर्ज है। इसमें देखिए अंजाय तो कैसा हो रहा है, इसमें एक राजकीय खेल खेला जा रहा है कि जमीन के ऊपर जो है तो आप सब जानते हैं कि स्टे अगर आया हुआ है, जबकि स्टे अगर का मतलब होता है कि जैसे थे वहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी जो है तो हाँ देखा जा रहा है कि आज जो है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर वहाँ पर परवानगी मांगी जाती है और उसके बाद जो है तो वहाँ पर जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं और अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। मेरा मानना है कि सिल्लोड शहर अपना इतना बड़े होने के बाद इतने मैदान होने के बाद वो मैदान के ऊपर इसमें कार्यक्रम है, जबकि हमने उसका मुजरी के लिए हमने जो तो गवर्नमेंट से मांगनी की थी तो हमको ये लेटर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि इसकी मुजरी अभी कर नहीं सकते क्योंकि ये जमीन के ऊपर अभी माननीय उच्च न्यायालय की स्थगित की है। इस वजह से जो है तो इस जमीन की जो है तो हमको मुजरी की भी इजाजत नहीं दी। जब हमको मुजरी की इजाजत नहीं दी गई तो फिर वहाँ पर ये कार्यक्रम को इजाजत कौन देता है, हमारी मांगनी है। और दूसरी हमारी मांगनी है कि कार्यक्रम जो हो रहे हैं तो आपको विरोध इसका नहीं, लेकिन आज आप लोग सब समझ सकते हैं, आज के हालात को समझ सकते हैं, लोगों की नीयत को समझ सकते हैं, कल को जो है तो हमारी जमीन के ऊपर कोई भी दावा कर सकता है कि जमीन पे हमारे कार्यक्रम होते थे, हम इतने साल से कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारा ये है कि जमीन हमारी ही हुए, जबकि आज ये जमीन जो है तो आज हमारी जमीन है और इसका जो है तो इबादत करना हमारा वाली फर्ज है, इसलिए जो है तो ये जमीन औकाफ बोर्ड के अंडर में आती और अगर कोई कार्यक्रम लेता और औकाफ बोर्ड से उसकी पावती लेकर औकाफ बोर्ड का सही सिक्का और उसके औकाफ बोर्ड की पावती होना चाहिए। यहाँ पर जो है तो कोई भी इसकी पावती फाड़ के दे देता, जबकि हमने देखी कि यहाँ पर फतेह इस्लाम मस्जिद की कमेटी की ओर से 5,000 रुपये की पावती फाड़ के दी गई और उसके आधार पर वो जो है तो वहाँ पे प्रोग्राम ले रहे हैं। तो आपका बोलना यह है कि ये वक्फ बोर्ड की तरफ से इनको सिल्लोड में परमिशन 36 एकड़ पे नहीं थी प्रोग्राम की, और ये प्रोग्राम की परमिशन सिल्लोड में किसने दिया इनको? देखिए वक्फ बोर्ड के को बिल्कुल इस बात की खबर भी नहीं है और वक्फ बोर्ड का कोई दस्तावेज उनको नहीं दिया गया। हमने पुलिस प्रशासन से भी इसकी मालूमात ली तो पुलिस यहाँ पर सिल्लोड में जो प्रोग्राम हो रहे हैं तो इसकी परमिशन सिल्लोड में किसने दिया? पुलिस प्रशासन से जब हमने इस बात की मालूमात ली, मैंने जब जो है तो इस की जब भी सभी औरंगाबाद के सभी अधिकारियों के पास, कलेक्टर साहब के पास, एसपी साहब के पास, औकाफ बोर्ड के अध्यक्ष के पास, सिल्लोड में एसडीएम, शहर पुलिस पीआई, यूएसपी, तहसीलदार सभी के पास मैंने इसकी कंप्लेन किया तो हमको पुलिस प्रशासन की तरफ से जवाब ये मिला कि हमारे पास जो है तो जो मंडल के लोग आए उन्होंने एक पावती ला के दी जो तुम्हारे फतेह इस्लाम मस्जिद के लोग कमेटी ने फाड़ कर दी, जबकि वो पावती के ऊपर जो है तो पुलिस उसकी परवानगी नहीं दे सकती। तो उन्होंने उनको ये भी बताया माननीय उदार साहब ने कि हम ये इस पावती के ऊपर जो है तो परवानगी नहीं देते और जब तक का वो हमारे कोई तो ये अभी जो कार्यक्रम चल रहा है इसको इसे कोई परवानगी नहीं है, ये सिर्फ जो है तो एक पावती के ऊपर जो है तो जो पावती फाड़े उन्होंने उसके आधार पर प्रोग्राम चला है। आपका बोलना है कि भाई यहाँ पर जो सिल्लोड में प्रोग्राम हो रहा है उसको जो तो वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई परवानगी नहीं है, अभी आगे इसके आगे आपका इसका क्या निर्णय रहेगा और आप इसके ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए मैंने तो निवेदन के जरिए जितने भी अधिकारी है प्रशासन है उनको जो तो खबरदार किया है ताकि जो है तो कल को वहाँ पर कोई घटना घटती है, कोई प्रकार होता है जमीन मस्जिद की, इसलिए अगर कोई तो हमने हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी शांति कायम रहे, इसलिए हमने सब अधिकारों को इससे जो है तो आगाह किया है, सूचित किया है कि इस तरीके से यहाँ पर मकर प्रबंध प्रोग्राम किया तो इसके बाद भी अगर प्रशासन उसके ऊपर ये नहीं इसके ऊपर निर्णय नहीं लेता, कार्रवाई नहीं करता तो ये प्रशासन की जवाबदारी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ में बबलू भाई एमआईएम थे और उन्होंने जो है तो यहाँ पर विरोध किए हैं यहाँ पर जो 36 एकड़ में प्रोग्राम हुआ है। देखते हैं आगे इसके अंदर प्रशासन क्या करता है और वक्फ बोर्ड की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। आप देख रहे थे सिल्लोड समाचार, मैं हूं शेखर।